बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। बात करेंगे बीएड पात्रता विवाद का जो जजमेंट आया था। जैसा कि आप जानते हैं कि एनसीटी का जो गजट था 28 जून 2018 को, उसको पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था, लेकिन अब ये मामला पुनः कहीं ना कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से पहुंचा है। पूरी तरीके से बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जैसा कि डियर आप जानते हैं कि 2018 में एनसीटी ने एक गजट बनाया था 28 जून 2018 में, और उसमें बीएड को पीआरटी लेवल की शिक्षक भर्ती के लिए पात्र कर दिया था। उसके बाद कहीं ना कहीं जो डीएलएड के स्टूडेंट थे, उनकी तरफ से इस मामले को माननीय कोर्ट की दहलीज पर खड़ा किया गया था, और मुद्दा राजस्थान से उठा था। राजस्थान में जो बीएसटीसी के छात्र हैं, उन्होंने रिट लेवल 1 से बीएड को इनवैलिड करवाने के लिए मामले को जोधपुर हाईकोर्ट पर रिट किया था, और वहां से जोधपुर हाईकोर्ट ने कहीं ना कहीं बीएड को इनवैलिड कर दिया था, क्योंकि गजट को उन्होंने बताया था कि इलीगल है, गजट सही नहीं है। उसके बाद ये मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक धीरे धीरे घसीटता हुआ पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी हाल ही में 11 अगस्त 2023 को एक जजमेंट आया था, जिसमें उन्होंने एनसीटी के बनाए गए गजट को रद्द कर दिया था। उसके बाद उन्होंने कई पॉइंट के आधार पर पूरी तरीके से व्याख्या कर दी थी। 46 पेज का आर्डर आया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और उन्होंने सारे बिंदुओं को स्पष्ट किया था कि किस आधार पर बीएड इनवैलिड है पीआरटी लेवल की शिक्षक भर्ती के लिए। उसके बाद आपने देखा कि कहीं ना कहीं हर राज्य की शिक्षक भर्तियां, चूंकि हर स्टेट में शिक्षक भर्तियां चल रही हैं, कुछ स्टेटों में भर्तियां हो भी चुकी हैं, तो वो और विवाद की स्थिति में आ गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रकार से ये नहीं बताया कि जो हमारा ये फाइनल जजमेंट है, ये जिस दिन से आ रहा है उस दिन से प्रभावी रूप से लागू होगा, या ये गजट जब से बना था तब से लागू होगा। तो इसकी वजह से आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड के साथ ही हमारे चयनित हैं, उसी गजट से नौकरी कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश में एमपी वर्ग 3 के भी काफी अभ्यर्थी जॉब कर रहे हैं उसी गजट से। इसी तरीके से वेस्ट बंगाल में भी जॉब कर रहे हैं। कई राज्यों में जो शिक्षक भर्तियां हैं वो पूरी तरीके से प्रभावित हैं। अभी हाल ही में आपने देखा था कि बिहार में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के परीक्षाएं करवाई गई थी, क्योंकि उसके बाद कहीं ना कहीं जजमेंट आ गया था सुप्रीम कोर्ट का, तो बिहार की शिक्षक भर्ती को लेकर के जो डीएलएड के स्टूडेंट थे, उन्होंने पटना हाईकोर्ट में रिट लगा दी थी, और उसके साथ ही मामले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी कहीं ना कहीं रिट कर दिया था। तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कल बिहार की शिक्षक भर्ती के संदर्भ में एक ऑर्डर जारी किया गया था, और उस ऑर्डर में उन्होंने मेंशंस कर दिया था कि हम पटना की गवर्नमेंट से ये उम्मीद करते हैं कि जो हमारा जजमेंट अभी 11 अगस्त 2023 को रिलीज हुआ है, उसी के अनुरूप शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। यानी कि उन्होंने संकेत या इशारे रूप में ये कह दिया कि बीएड को प्राथमिक लेवल पर आपको इंक्लूड नहीं करना, बल्कि केवल डीएलएड के स्टूडेंट से ही भर्ती को करनी है। उसके बाद आपने देखा था कि कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात का फिर भी जिक्र वहां पर नहीं किया कि जो गजट है वो किस दिन से रद्द माना जाएगा, उसका फाइनल जो जजमेंट आया था। उसके बाद कई अभ्यर्थियों के द्वारा इस मामले को क्लेरिफिकेशन पिटीशन के लिए ले गए, क्योंकि आप जानते हैं जब तक ये कंफर्म नहीं हो पाएगा कि गजट 28 जून 2018 जब से बना है तब से रद्द माना जाएगा, या जिस दिन से ऑर्डर आया है तब से रद्द माना जाएगा, क्योंकि उसके बीच में काफी ज्यादा भर्तियां भी हो चुकी हैं, और काफी बीएड के जो हमारे शिक्षक साथी हैं वो पूरी तरीके से विद्यालय में अपनी सेवा दे पा रहे हैं। इसी के क्रम में माननीय देवेश शर्मा जी के द्वारा भी एक क्लेरिफिकेशन पिटीशन दायर कर दी गई है। आप देख सकते हैं इन्होंने जिनकी उम्मीद थी कि ये रिव्यू पिटीशन लगाएंगे एनसीटी से, केंद्र सरकार से, एमएचआरडी से, सबसे ये रिव्यू पिटीशनर्स की गुहार लगा रहे थे कि एक बार रिव्यू पिटीशनर लगाइए और बीएड को प्राथमिक में पुनः लाने के लिए ऑर्डिनेंस की बात भी कर रहे थे, लेकिन ये जानते हैं कि किन किन बिंदुओं के आधार पर बीएड को प्राथमिक से बाहर किया गया है, इतना आसान काम अब नहीं है फिलहाल बीएड को प्राथमिक में वैलिड करवाना, तो इन्होंने क्लेरिफिकेशन पिटीशन दायर कर दी। इसका अर्थ ये है कि अब ये चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट आया है उसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ये क्लियर करे कि जो ये गजट रद्द किया गया है, ये जिस दिन जजमेंट आया है उस दिन से आगे की भर्तियों के लिए रद्द होगा, या पूर्व की सभी भर्तियां भी इसकी जद में आ गई हैं, जब से गजट बना है तब से रद्द माना जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस मामले के लिए जल्द ही कंप्यूटर जनरेटेड रेट दिखाने लगेगा, किसकी केस लिस्टेड होगा, डायरी नंबर आप सब देख सकते हैं। इस तरीके से राजस्थान के भी कुछ अभ्यर्थियों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में क्लेरिफिकेशन, जो आप कह सकते हैं कि पिटीशन है, वो लगा रखी है, लेकिन देवेश शर्मा जो कि आप जानते हैं पूरी तरीके से इन्होंने ही बीएड की तरफ से मामले को सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर खड़ा कर दिया था, तो निश्चित तौर पर इनकी जो ये रिट है ये जल्द से जल्द इस रिट पर डेट पब्लिश होगी और सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में होगी, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये क्लेरिफिकेशन बताया जाएगा कि जो बीएड है वो कब से इनवैलिड माना जाएगा। अगर वो 28 जून 2018 को गजट को ही इनवैलिड कर देती है सुप्रीम कोर्ट, तो निश्चित तौर पर जितने अभ्यर्थी जॉब कर रहे हैं
वो सब पर खतरे के बादल होंगे और उनको हटना पड़ जाएगा। अगर जब से गजट बना है तब से क्लेरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट करेगी। अगर वो जिस दिन से जजमेंट आया है उस दिन से हट करती है तो आगे आने वाली जितनी भी भर्तियां होंगी उन पर पूरी तरीके से बीएड का रास्ता बंद हो जाएगा। लेकिन जो पीछे के कर्मचारी काम कर रहे हैं, बीएड के अभ्यर्थी शिक्षक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं, वो अपनी सेवाएं देते रहेंगे। निश्चित तौर पर अब ये तभी क्लियर हो पाएगा जब सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना एक्शन सुनवाई करके अपना जो क्लियरिफिकेशन है वो देगा। लेकिन उम्मीदें काफी ज्यादा हैं, कल बिहार के जजमेंट के बाद ये काफी ज्यादा संकेत मिल पा रहे हैं कि जो गजट है ये जब से बना है, जब से लागू हुआ है, तभी से इसके रद्द होने के चांसेस ज्यादा बन रहे हैं। आपकी राय में ये कब से रद्द हो सकता है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आएगी आपको दी जाएगी। इस चैनल पर आपको सबसे पहले सटीक और सही जानकारी ही दी जाती है। इस चैनल पर आपको किसी भी प्रकार से कोई गुमराह करने वाला जो जानकारी है, तथ्य है, वो नहीं दिया जाता। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।